दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं केवल आपकी दोनों हथेलियां देखकर बता सकता हूं कि आप कितने रोमांटिक इंसान हैं, तो आप सोचोगे कि शायद मैं तांत्रिक बन गया हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। ना केवल मैं, बल्कि कोई भी इंसान आपकी दोनों हथेलियां देखकर बता सकता है कि आप किस टाइप के इंसान हो। मतलब आप आलसी हो, या फिर आप बहुत एनर्जेटिक इंसान हो, या फिर चैलेंज फेस करने वाले इंसान हो। जो भी हो, आपका लगभग सारा बायोडेटा केवल आपके हाथों को देखकर बताया जा सकता है। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि भला हमारे हाथों की हथेलियों में ऐसा क्या होता है जिससे हमारी पर्सनालिटी के बारे में पता चल सकता है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, और वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी इंसान की हथेली देखकर उसकी पर्सनालिटी के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए आज आपकी लाइफ में जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कोई साधु महात्मा लोग केवल आपका हाथ देखकर आपके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं और आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आपको लगता होगा कि इन साधु बाबाओं के पास कोई जादू होता होगा जिससे ये हमारे बारे में इतना कुछ बता देते हैं। लेकिन यार, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल कुछ साधु बाबा लोग बहुत ज्ञानी होते हैं। मतलब आदमी को कहाँ कैसे पकड़ना है उन्हें अच्छी तरह से आता है, और उन्हें हमारे हाथों की रेखाएं पढ़ना भी आता है। मतलब उन लोगों को साइकोलॉजी का अच्छा खासा नॉलेज होता है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। दरअसल एक बार मेरे घर कुछ साधु बाबा लोग आए हुए थे, और उन्होंने मेरा हाथ देखकर बता दिया कि मैं बहुत आलसी टाइप का इंसान हूँ, और ये बात बिल्कुल सच है। कुछ देर के लिए तो मैं सोच में पड़ गया कि आखिर इस बाबा को मेरे बारे में कैसे पता चला। दरअसल उस साधु बाबा ने मुझसे दोनों हथेलियां जोड़ने के लिए कहा था। अब भला हम भी कहां मानने वाले थे। हमने तुरंत इस सच्चाई का पता लगाने की ठान ली। इसके बाद मैंने तुरंत इस विषय पर रिसर्च की, और मुझे पता चला कि इसमें कोई जादू टोना नहीं, बल्कि हाथ की रेखाओं का खेल था। दोस्तों, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को ठीक तरह से जोड़ लीजिए। ऐसा करने पर तीन तरह के पैटर्न बनते हैं। पहला पैटर्न, जिसमें हमारे बाएं हाथ की रेखा नीचे होती है। दूसरे पैटर्न में हमारे दाएं हाथ की रेखा नीचे होती है। और तीसरे पैटर्न में दोनों हाथ की रेखाएं बराबरी पर होती हैं। आप जल्दी से अपने हाथों को देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपके हाथ की रेखाएं किस पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। आप कमेंट करने के लिए अपनी हथेलियों को अलग अलग कर सकते हैं। अगर आपके बाएं हाथ की रेखा नीचे है तो आप ठहरे बेफिक्र बंदे। मतलब अगर आपके साथ पहला वाला केस है तो इससे पता चलता है कि आपको लोगों की बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आप दूसरे लोगों से अपनी बुराई सुनकर बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होते। एक तरह से देखा जाए तो आपको समाज और सोसाइटी के रूल्स ज्यादा पसंद नहीं होते। मतलब अगर कोई आपसे कहे कि जूते चप्पल उतार कर खाना खाना चाहिए, तो आपको इस तरह की बात से बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। मतलब आप केयरलेस टाइप के इंसान होते हैं। इस तरह के इंसान अपनी जिंदगी को अपने तरीके से चलाते हैं। मतलब अगर इन लोगों को सुबह 10 बजे उठना है तो 10 बजे ही उठना है। दुनिया का कोई नियम कानून इन्हें सुबह 4 बजे नहीं उठा सकता। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कैटेगरी के लोग बहुत रोमांटिक होते हैं, इसलिए इनका मूड भी काफी मस्त रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ दोस्ती करना और रिलेशनशिप बनाना पसंद करते हैं। चलिए आपको एक बढ़िया एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। मान लीजिए इस कैटेगरी का कोई लड़का है जिसकी एज 20 के आसपास है, तो वो लड़का 20 साल की उम्र से ज्यादा बड़े लोगों के साथ ही दोस्ती रखना पसंद करेगा। यहाँ तक कि उसे अपनी उम्र से बड़ी लड़कियाँ ही पसंद आएंगी। और इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि शादी करने वाले दो लोगों के बीच एज ग्रुप का डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। ये वही लोग होते हैं जिन्हें अपने से ज्यादा बड़े लोग पसंद आते हैं। इसीलिए कई बार एक 25 साल का लड़का 30 साल की लड़की से शादी कर लेता है। चलिए अब दूसरी कैटेगरी पर आते हैं। अगर आपके बाएं हाथ की रेखा ऊपर और दाएं हाथ की रेखा नीचे है, तो इसका मतलब आप बहुत ही साहसी इंसान हैं। इस तरह के लोगों को चुनौतियों के साथ खेलने में काफी मजा आता है। हालांकि कई बार चैलेंजेस फेस करते समय ये लोग डीमोटिवेटेड महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई नई चुनौती इनके सामने आती है, ये काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और सब कुछ भूलकर दोबारा से चुनौती का सामना करने लगते हैं। इस कैटेगरी के लोग अपनी जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से फेस करते हैं और उनसे बाहर भी निकल आते हैं। यही चीज इनके अंदर कॉन्फिडेंस लाती है, और इसी कॉन्फिडेंस के दम पर ये लोग दूसरों को भी सलाह देते हैं। मतलब इन लोगों को दूसरों को सलाह देना काफी पसंद होता है, और किसी को एडवाइस देते समय ये लोग अपनी जिंदगी के उदाहरण बताते हैं
कि कैसे मैंने इस परिस्थिति का सामना किया और कैसे मैं उससे बाहर आ गया वगैरह वगैरह। इस कैटेगरी के लोग रिश्तों में ज्यादा सीरियस नहीं रहते, मतलब ये लोग रिलेशनशिप में बात बात पर टेंशन नहीं लेते और हमेशा कूल कूल हैप्पी हैप्पी रहते हैं। चलिए आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने ऑनलाइन रहते हुए भी आपका रिप्लाई नहीं किया, तो कई लोग इस बात पर बहुत सीरियस हो जाते हैं कि उसने मेरा रिप्लाई क्यों नहीं किया, वो ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन इस कैटेगरी के लोग कभी भी ऐसी छोटी मोटी बातों पर सीरियस नहीं होते और हमेशा चिल रहते हैं। अब आप जब भी इस कैटेगरी के लोगों से बात करेंगे तो इनके चेहरे पर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस रहता है। ये लोग हमेशा खुश और मोटिवेटेड दिखाई देते हैं। हालांकि अपने करियर को लेकर ये लोग काफी सीरियस रहते हैं और इस मामले में ये कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहते। और अब हम बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की। इस कैटेगरी में दोनों हाथों की रेखाएं बिल्कुल बराबर होती हैं। इस तरह के लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और इसीलिए ये लोग अपने आसपास बहुत कम लोगों को रखते हैं, क्योंकि छोटी से छोटी बात भी इन्हें हर्ट कर देती है। ये लोग कभी भी किसी चीज को हल्के में नहीं लेते, मतलब जैसे किसी दोस्त के साथ गंदा मजाक करना वगैरह वगैरह। ये लोग इस तरह के सीरियस मजाक कभी नहीं करते। इन लोगों की जिंदगी में बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन इस कैटेगरी के लोग जिस किसी के साथ भी रिलेशनशिप रखते हैं उसमें बहुत सीरियस होते हैं। मतलब अगर उस रिश्ते के लिए कुछ भी करना पड़े तो ये लोग करके दिखा देते हैं। इनके बहुत कम दोस्त होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं बहुत गहरे दोस्त होते हैं। ये लोग अपनी दोस्ती और रिश्ते में वफादारी की मिसाल पेश करते हैं। इन लोगों का दिमाग और माइंडसेट बहुत मजबूत होता है, इसीलिए ये लोग आसानी से किसी की तरफ अट्रैक्ट भी नहीं होते। इन लोगों का कैरेक्टर बहुत मजबूत होता है, इसलिए ये लोग अपने कैरेक्टर के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई कल परसों का आया बंदा इनसे तू तू करके बात करने लगे तो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और यही एक वजह है कि इनको पहचानने वाले 50% से भी ज्यादा लोग इस कैटेगरी के लोगों को अकड़ू और घमंडी मानते हैं। इस तरह के लोगों को फीलिंग को समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये लोग कभी भी अपनी फीलिंग को जाहिर नहीं करते। लेकिन जो लोग इन्हें जानते हैं और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है। दूसरों की मदद करते हैं और मदद करके भूल भी जाते हैं, मतलब इन्हें बदले में कुछ नहीं चाहिए होता है। ये तो हथेलियों की बात थी। अब हम आपके हाथ की उंगलियों से आपका पर्सनालिटी टेस्ट करेंगे। बहुत सारे लोग राइटी होते हैं और कुछ लोग लेफ्टी होते हैं। आप जिस हाथ से भी अपना ज्यादातर काम करते हैं उसी हाथ को ले लीजिए। हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, इसलिए हम सबसे छोटी उंगली से शुरुआत करते हैं। अगर आपके हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली ज्यादा ताकतवर नहीं है, मतलब बहुत ही नाजुक है, तो इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन थोड़ा कमजोर है। मतलब आप अपनी फीलिंग और अपनी बातों को दूसरों के साथ पूरी तरीके से शेयर नहीं कर पाते और कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, और इसीलिए इन लोगों का रिलेशनशिप भी कमजोर हो जाता है। वहीं अगर रिंग फिंगर की बात करें तो जिन लोगों की रिंग फिंगर मजबूत और सीधी होती है वो लोग बहुत अच्छे कलाकार माने जाते हैं। चल झूठा। क्रिएटिविटी से लेकर दूसरों के सामने अपनी बात रखने तक ये लोग हर जगह सही साबित होते हैं, और इसीलिए इनके रिश्ते भी सभी लोगों से काफी अच्छे होते हैं। ठीक इसी तरह जिन लोगों की मिडिल फिंगर यानी बीच की उंगली बिल्कुल सीधी और मजबूत होती है, वो लोग अपनी जिंदगी में भी काफी मजबूत होते हैं। ये लोग हमेशा सिर उठा कर चलते हैं, क्योंकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस भरा होता है। ये लोग अपने हर काम को समय पर करते हैं और इसीलिए इन लोगों को काफी जिम्मेदार माना जाता है। और जब बात इंडेक्स फिंगर की आती है तो मामला ताकत पर पहुंच जाता है। मतलब जिन लोगों की इंडेक्स फिंगर मजबूत होती है वो लोग अपनी जिंदगी में मजबूती और ताकत पसंद करते हैं, ठीक KGF के रॉकी भाई की तरह। और अब सबसे लास्ट में बात करते हैं अंगूठे की। जिन लोगों का अंगूठा मजबूत होता है वो लोग बहुत मजबूती के साथ लीडरशिप और अपनी फील्ड में बेस्ट करने का ट्राई करते हैं। ये लोग हर किसी का हालचाल पूछते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए आदर्श माने जाते हैं। तो दोस्तों, जाते जाते बस इतना कहूंगा कि आपकी पर्सनालिटी कैसी भी हो, लेकिन आप खुद पर मेहनत करके खुद को बदल सकते हैं। अगर आप आलसी हैं तो आप मेहनती बन सकते हैं। अगर आप कमजोर हैं तो मेहनत करके आप शक्तिशाली बन सकते हैं। तो टेंशन लेने का नहीं, बस लगे रहो। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया और इससे कुछ भी सीखने को मिला तो गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक का बटन जरूर प्रेस कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।